जैन साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए एक बार पुनः उपस्थिति में आप सभी के सामने और एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह राजस्थान इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। देखिएगा 20 मिनट कम से कम आप अपना समय दीजिएगा, इस 20 मिनट में हम राजस्थान के एकीकरण को, संपूर्ण एकीकरण को समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, पढ़ेंगे आज हम राजस्थान का एकीकरण। देखिए राजस्थान के एकीकरण से हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला बात करें अपन राजस्थान के एकीकरण की, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है यह हमारा लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सबसे ज्यादा जो अहम पार्ट अदा किया था रोल, वो करता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वैसे एकीकरण है क्या, एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एकीकरण यानी हमारे राजस्थान की जो 19 रियासतें थी प्लस 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने, भारत के अंदर 565 रियासतें थी, 565 रियासतें, ये सभी बिखरी हुई थी और इनको एक करने के लिए एकीकरण का काम किया गया था। सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देशी रियासतों का एकीकरण किया जाए, सभी को एक साथ लाकर जो है एक मंच पर उपस्थित किया जाए, इसलिए इस एकीकरण का जो है वो गठन किया गया था। शर्तें थी कि देशी रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या फिर भारत में मिल सकती, तीन ऑप्शन दिए गए थे इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कि चाहो तो आप अपने आप को स्वतंत्र रखो, चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ या फिर आप भारत में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट आगे की बात करें तो बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, एक सचिवालय का गठन किया गया जिसका नाम है रियासती सचिवालय। इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। एकीकरण का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, याद रखना एकीकरण का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो याद रखना इन्हीं को दिया जाता है। इसका सचिवालय का जो सचिव बनाया गया था वो वीपी मेनन को बनाया गया था और शर्तें रखी गई थी केवल वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिसकी आय या तो 1 करोड़ हो या फिर जनसंख्या 10 लाख हो। 1 करोड़ आय प्लस 10 लाख जनसंख्या वाली रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती हैं, जिसमें 4 रियासतें इस क्राइटेरिया को पूरा करती थी, जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो कि 1 करोड़ आय और आपकी 4 लाख जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या को क्या करती है, क्राइटेरिया को जो है वो पूरा करती थी। एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय भारत में कुल 565 रियासतें थी और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखना इसमें से 562 का एकीकरण में जो है एकीकरण किया गया था, लेकिन 3 रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों जो है इनका विलय नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो अड़ गए थे कि हम विलय नहीं करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थितियां रही थी उस समय, इन तीनों को है कुछ समय के लिए छोड़ा गया था। 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम आता है दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में था, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में, कुर्ग जो कर्नाटक के अंदर शामिल था। बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण, ये याद रखना रियासतें कितनी थी, तो 19 रियासतें थी, ठिकाने कितने थे 3 और केंद्र शासित प्रदेश था 1 जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतों की हम चर्चा करेंगे कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी, तो देखिएगा बात करते हैं राजस्थान की सबसे नवीन प्राचीन जो रियासत है उसका नाम है मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी, मेवाड़ है। बात करते हैं राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो उसका नाम है झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, इसका गठन हुआ था 1838 ईस्वी में और झालावाड़ की जो रियासत इसका गठन किया था मदन सिंह झाला ने, मदन सिंह झाला, मदन सिंह झाला ने झालावाड़ की स्थापना करी और यहां पर झाला वंश की क्या करी थी, स्थापना करी। अंग्रेजों की सहायता से निर्मित ये रियासत थी। देखी जाए राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे छोटी जो रियासत है वो हो जाएगी सापुरा रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम है जोधपुर रियासत, छोटी सबसे क्षेत्रफल में सापुरा है और बड़ी है जोधपुर है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे छोटी जो है वो सापुरा है और बड़ी है आपकी जयपुर है, छोटी जनसंख्या में सापुरा है और क्षेत्रफल में भी छोटी कौन है, सापुरा है। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना भी किसने करी थी,
याद रखना शाहपुरा नहीं करी। जाट रियासत थी आपकी भरतपुर और धौलपुर, मुस्लिम रियासत थी टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत है उसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या करी थी इन्होंने, सबसे पहले शुरुआत करी या स्थापना करी थी। सर्वाधिक तोपों की जो सलामी दी जाने वाली रियासत है उसका नाम है मेवाड़ रियासत, और कितनी तोपें, तो 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। तोपों की सलामी ऐसी रियासत है जिसको बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, उसमें एक तो किशनगढ़ है और एक आपकी शाहपुरा है। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम जो रियासत थी वो बीकानेर है, और प्रथम शासक थे उसका नाम है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने जो है बीकानेर के अंदर ये शासक हुआ करते थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो एकीकरण का विलय पत्र था उसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए रियासत पूछे तो बीकानेर और शासक पूछे तो शार्दुल सिंह। नेक्स्ट आगे हैं, एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे अंतिम जो रियासत थी उसका नाम है धौलपुर, और शासक हो जाएगा उदयपान सिंह। यानी सबसे पहले एकीकरण में हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर रियासत ने किए, और शासक था शार्दुल सिंह। सबसे बाद में किए थे धौलपुर, और यहाँ का शासक था उदयपान सिंह। राजस्थान के प्रमुख तीन ठिकाने हैं तो याद रखना नीमराणा अलवर में है, वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड के अंदर शामिल है। यहाँ का शासक था राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में है और शासक था यहाँ का हरेंद्र सिंह। राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना है याद रखिएगा। लावा ठिकाना पूर्व में जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में, और यहाँ का शासक था उसका नाम है प्रदीप सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात आती थी याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा है, यह सी श्रेणी का एक केंद्र शासित प्रदेश था। अलग से इसकी एक विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा, कुल सदस्य थे 30 और प्रधानमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। विलय हुआ था याद रखना 1 नवंबर 1956 को, इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, यानी अजमेर जो मेरवाड़ा था इसे केंद्र शासित प्रदेश से क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश से इसे हटा दिया था, और हटा करके इसे राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनाया गया था। याद रखना 26 जनवरी की बात करते हैं, 26 जनवरी 1950, इस समय राजस्थान की कंडीशन थी 5 तो संभाग थे राजस्थान में, और यहाँ पर 25 जिले थे, 25 जिले और 5 संभाग हुआ करते थे, जिसमें से 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। और ये अजमेर जो है याद रखना छठा संभाग बना था, और ये कब बनाया छठा संभाग, तो याद रखना ये बना था अजमेर छठा संभाग, इसको बनाया गया था 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को ये वापस पुणे छठा संभाग बना था याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को, 7 चरण थे, समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को, समय लगा था 2 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है। बात करते हैं एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ, नाम दिया था के एम मुंशी ने। रियासतें थी इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसमें आता है ए बी सी और डी। अलवर का था तेज सिंह, भरतपुर का था शासक ब्रजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल और धौलपुर का था उदय भान सिंह। इसकी आय हुआ करती थी 1.84 लाख यानी 1 करोड़, क्षेत्रफल था इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या थी 18.36 लाख। यहाँ पर याद रखना उद्घाटन हुआ था इसका लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के अंदर किशोरी महल है वहां पर उद्घाटन करता था एन विल गौडगिल, जिसे नरहरि विष्णु गौडगिल भी कहते हैं। प्रधानमंत्री था यहाँ का शोभाराम कुमावत, और राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। ठिकाना शामिल हुआ था जिसका नाम है नीमराणा, और यहाँ का शासक था राजेंद्र सिंह। राजधानी अलवर को बनाएगी, उप प्रधानमंत्री बना था जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। फिर बात आती तेज सिंह को महात्मा गांधी की हत्या के बाद नजरबंद किया गया था, और ब्रजेंद्र सिंह का भाई था मान सिंह, इसने कहा था जाट झंडा क्या है खतरे में, जाट झंडा क्या है खतरे में। तो याद रखना ये पूरा प्रोसेस है, बहुत शानदार डायग्राम बना रखा है, आपको सीधा सीधा इनमें से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूसरा चरण है, दूसरा चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, और प्रथम बार राजस्थान शब्द का क्या किया गया प्रयोग, इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा चरण बना है। रियासतें थी इसमें 9, जैसे बाबू की झाड़ू को प्रताप शाह टोंक ले गया, बाबू की झाड़ू को प्रताप शाह टोंक ले गया, बाद से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, प्रताप से देखे जा से हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़, डू से है डूंगरपुर, और को से है कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक,
बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, बूंदी का था बहादुर सिंह, किशनगढ़ का सुमेर सिंह, झालावाड़ का हरीशचंद्र, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, कोटा का भीम सिंह, प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह, शाहपुरा का सुदर्शन सिंह और टोंक का था मोहम्मद अली। दूसरे चरण की आय थी कुल 2 करोड़ और क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या थी 23.3% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती थी। उद्घाटन हुआ था इसका कोटा दुर्ग में, राजधानी बनाई गई थी कोटा को और प्रमुख शासक राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के शासक भीम सिंह जी को, यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। फिर ये पीएम कौन थे तो याद रखना गोकुललाल असावा जो शाहपुरा से थे, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया पूर्व राजस्थान संघ का। उद्घाटन किया था वही वापस एनविल गौड़गिल है इन्होंने और एक ठिकाना शामिल हुआ था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में और यहाँ का शासक था हरेंद्र सिंह। ये दूसरे चरण की कुछ बातें थी। आगे चलते हैं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तीसरे चरण की बात करते हैं तो इसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। इसका गठन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें थी इसमें एक जिसका नाम था उदयपुर। जनसंख्या थी 42.60 लाख। क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर और आय थी 3.16 करोड़ यानी कम से कम 3 करोड़। उद्घाटन किया था इसका सिटी पैलेस उदयपुर में, राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को और राज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर के शासक थे ये। और इस समय उपराज प्रमुख पूछे तो याद रखना उपराज प्रमुख थे भीम सिंह जी कोटा के। पीएम थे माणिक्य लाल वर्मा, राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान संघ है उसके पीएम थे माणिक्य लाल वर्मा। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है चौथा चरण और इसका नाम था व्रत राजस्थान संघ। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। रियासतें थी इसमें 4 रियासतें थी प्रमुख, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ है इसलिए इस दिन हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय था, जोधपुर का हनुमान सिंह था, जैसलमेर का बहादुर सिंह था और बीकानेर का शार्दुल सिंह था। याद रखना इसका जो उद्घाटन हुआ था वो सिटी पहले जयपुर में हुआ था, राजधानी जयपुर को बनाई गई और उद्घाटन करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जो आजीवन रहे थे, राज प्रमुख स्वयंमान सिंह जो भी आजीवन रहा था और महाराज प्रमुख एक नया पद बनाया गया जो महाराणा भोपाल सिंह जी रहे थे। उपराज प्रमुख हनुमान सिंह को बनाया गया था और भीम सिंह जी को, हनुमान सिंह हनुमान जोधपुर के थे और भीम सिंह जी आपके कोटा के थे। इस समय एक ठिकाना जो है जोड़ा गया लावा और यहाँ का शासक था प्रदीप सिंह। जोधपुर का शासक हनुमान सिंह अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे की बात करें, प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष थे प्रोफेसर सत्यनारायण। इनकी सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाई गई। इसकी सिफारिश पर कुछ विभागों का गठन हुआ, कृषि विभाग भरतपुर, खनन विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा, शिक्षा विभाग बीकानेर और न्यायालय रखा गया था आपका कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। सेवर अनुसंधान केंद्र, याद रखना सेवर जो है वो कृषि सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचवा चरण, इसका नाम था संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। गठन हुआ था 15 मई 1949 को। रियासतें थी संयुक्त राजस्थान की 10 और व्रत राजस्थान की 4 और मत्स्य संघ की थी 4, कुल मिलाकर 18 रियासतें थी। तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। इसकी राजधानी रखी गई, अब स्थिर हो जाएगी जयपुर। पीएम हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, महाराज प्रमुख था भोपाल सिंह। याद रखना हीरालाल शास्त्री राजस्थान के सीएम मनोनीत किए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है छठा चरण, यहाँ पर देखें तो राम था इसका राजस्थान संघ। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। विलय सिरोही का, इस बार जो विलय हुआ वैसे सिरोही का 2 बार हुआ है, एक बार तो 26 जनवरी 1950 को, एक बार 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर अबू देलवाड़ा को छोड़ा गया क्योंकि ये गुजरात के अंदर था, याद रखेना। गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर सिरोही का विलय हुआ प्रथम बार। भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा मिला है 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत सीएम है वो है हीरालाल शास्त्री। सातवां चरण आता है 1 नवंबर 1956, विलय हुआ था सिरोही का, पूर्ण विलय किया गया, अबू देलवाड़ा को गुजरात से निकाल करके सिरोही में शामिल हुआ। इस दिन याद रखना राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, इसलिए इस दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते 1 नवंबर को।
केंद्र शासित प्रदेश था याद रखना अजमेर मेरवाड़ा, जिसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया है। और ये जो है दो क्षेत्र हुआ करते थे, एक का नाम था सिरोज, एक का नाम सुनेल टप्पा। सिरोज जो था राजस्थान का हिस्सा था, इसे एमपी में मिलाया गया किसकी सिफारिश पर, अफजल अली समिति की सिफारिश पर। और सुनेल टप्पा जो था, सुनेल टप्पा ये कहाँ था, एमपी में था, और इसे कहाँ मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था, राज प्रमुख का जो पद था उसे समाप्त किया, पद को समाप्त किया, और एक नया पद सृजित किया गया था, उसका नाम था राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल उसका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह याद रखना, कौन हो जाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है, और इस दिन हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल भी अस्तित्व में आया था, 342,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल 10.41 जो क्षेत्रफल है उसका कुल भाग रखता है। तो याद रखना कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का, 242,239 वर्ग किलोमीटर, 242,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल अस्तित्व में आया था, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है 10.41%। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और ये बना था 2000 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हो गया था, इसलिए राजस्थान सबसे बड़ा बन गया है। ठीक है, तो ये आपका एक एकीकरण था, जो कि मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से और जल्दी ही इसको समाप्त किया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइव या जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह एकीकरण जो है मैंने आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, तो आप सभी के सामने मैंने इसे वापस रिकॉर्ड करके प्रस्तुत कर दिया है, आप देखिए नोट्स कंप्लीट बना लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।